वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मुकेश चंद्राकर ने अपने जनसंपर्क अभियान की जानकारी देते हुए शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि वैशाली नगर विधानसभा का चहुमुखी विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता सर्वोपरि है। जो कार्य पूर्व विधायक के कार्यकाल में नहीं हो पाए थे, उन्हें हम विशेष प्राथमिकता से पूरा करेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं सुगम व सरल ढंग से उपलब्ध हो सके। पत्रकार वार्ता का विषय हम लोगों का चुनाव के बाद जो वैशाली नगर के डेवलपमेंट, वैशाली नगर में जो मूलभूत सुविधाएं और वैशाली नगर को हम नया मतलब वैशाली नगर गढ़ना है, उसके बारे में जो आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए। नहीं, ये तो वैशाली नगर के, सिर्फ वैशाली नगर के लिए, जैसे आप लोगों का सभी का और पूरी जनता का भूपेश है तो भरोसा है चल रहा है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिस तरह से जनता जनार्दन का विश्वास, तो उसके आधार पर हम नया वैशाली नगर गढ़ने के लिए ये आप सबके समय हम वादा करने के लिए उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे महापौर जी को, सिर्फ अभी मुख्यमंत्री जी को 3 साल का काम करने का मौका मिला है, 2 साल उनका कोरोना में व्यतीत हो गया, महापौर जी को सिर्फ 2 साल का कार्यकाल मिला है, तो 2 साल में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। जो कमी रह गई है या जो हो रहा है तो वो निरंतर दूर कर दिया जाएगा। नया वैशाली नगर गढ़ेंगे, डेवलपमेंट में किसी की कमी नहीं रहेगी, और मैं सबसे बड़ी चीज़, मैं हमेशा आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा, फ़ोन में भी उपस्थित रहूँगा और फिजिकली भी सबके सामने उपस्थित रहूँगा।